आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फैशन सेल का पोस्टर कैसे डिज़ाइन करते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक फैशन सेल का यहाँ पे पोस्टर मैंने डिज़ाइन किया है, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्सन यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। आपके पास जो भी वर्सन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए, तो आप भी इस तरह के फैशन सेल का पोस्टर बना सकते हैं। अब ज़रा इस पोस्टर को ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, एक मॉडल का फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.freepnging.com, इस वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे अगर मॉडल सर्च कीजिएगा तो इस तरह का इमेज आपको मिल जाएगा बिना बैकग्राउंड का। और यहाँ पे देखिए, एक शेप लिया है मैंने येलो कलर का, प्लस पेज को रेड कलर से इसको ये कलर फिल किया है, प्लस एक बॉर्डर दिया है, प्लस इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है। और तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को ओपन करें। करने के बाद यहाँ ऑफिस बटन है, यहाँ पर क्लिक करें। और लेटेस्ट वाला वर्सन में ऑफिस बटन तो नहीं मिलेगा, वहाँ फाइल मिलेगा, न्यू मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, तरीका सबका सेम टू सेम ही है, थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा एडवांस है लेकिन काम करने का जो तरीका है सेम टू सेम है। तो यहाँ पे न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट का एक विंडो खुलेगा। यहाँ ब्लैंक एंड रिसेंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये सिलेक्टेड रहता है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे देखिएगा, राइट हैंड साइड में क्रिएट का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट जनरली क्या होता है, लेटर का जो साइज रहता है पेज, मैंने लेटर पेज यहाँ पर ले रखा है। अगर पेज आपका बहुत बड़ा दिख रहा है तो यहाँ से राइट हैंड साइड में देखिएगा, जूम का बटन दिया हुआ है इस जगह पर, राइट हैंड साइड में देखिए 44%। इस हैंडल को इस तरह से आप इसको कम और ज़्यादा आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब रहा सवाल, तो सबसे पहले आप जो काम करना है, यहाँ पर देखिए ये सबको टैब्स बोलते हैं, और हर टैब्स में अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टैब दिखता है वो है होम टैब। अब शेप लेने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिएगा, इलस्ट्रेशंस का एक ग्रुप दिखेगा, इलस्ट्रेशंस यहाँ पे देखिए शेप्स दिए हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे और एक हम लोग यहाँ से एक शेप लेंगे। अब जैसे यहाँ से मैं एक शेप लेता हूँ, पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लो चार्ट का ये वाला शेप मैं लूँगा। यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट डीले लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और अपने पेज पे ठीक कॉर्नर पोजीशन पे रखेंगे माउस पॉइंटर इस तरह। यहाँ पे देखिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, और इस तरह ड्रैग कर देंगे, एक शेप इस तरह हम लोग बना लेंगे। ये देखिए मैंने एक सिंपल सा एक शेप इस तरह बना लिया। ये देखिए शेप मेरा बनके तैयार हो गया। अब इसमें कलर फिल करना है, ये सिलेक्टेड है तो देखिएगा फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा शेप स्टाइल का यहाँ पर शेप फिल है, इसके डाउन बटन पर क्लिक करें और यहाँ से मैं येलो कलर चूज़ कर लेता हूँ। अब ये जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप आउटलाइन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए नो आउटलाइन, अब इसका आउटलाइन यहाँ से चला गया। ये हो जाने के बाद इस शेप को क्या करें, जब आप शेप ड्रॉ कर लें तो फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा अरेंज का ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करें और यहाँ पर थ्रू पे क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि शेप को आप ईजिली आप लेफ्ट राइट इसको मूव करा पाइएगा, काम करने में बहुत आसानी होता है। ये हो गया, हो जाने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, फ़ोटो तस्वीर लेकर आते हैं। तो बाहर क्लिक किया मैंने, उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ इलस्ट्रेशंस के ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पिक्चर है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अब करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ पर जिस जगह भी आपने उस फ़ोटो को डाउनलोड किया हुआ है, जो भी फ़ोटो आपको लगाना है, तो उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है। तो डेस्कटॉप पर मेरा फ़ोटो है, तो डेस्कटॉप को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने वो फ़ोटो रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मॉडल पीएनजी फ़ोटो है जिसका बैकग्राउंड नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। करने के बाद क्या होगा, ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अब इस फ़ोटो को मूव कराना है, तो फ़ोटो को सिलेक्ट रखें और यहाँ पर फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अरेंज में जाएँ, टेक्स्ट रैपिंग में जाएँ, यहाँ पर थ्रू पर क्लिक कर दें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको आप इजीली फ़ोटो को इस तरह से यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने फ़ोटो को लगा दिया। आप चाहें तो इसको स्केलिंग वगैरह भी इस तरह ड्रैग करके सेलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, फ़ोटो को बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ये हो गया, हो जाने के बाद अब क्या करना है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलर करना है। बैकग्राउंड को रेड कलर देना, जो आपको पसंदीदा जो भी अच्छा लगे कलर। इसको कलर करने के लिए यहाँ पर बाहर क्लिक कर दें, फिर पेज लेआउट में जाएँ,
यहाँ पे देखिएगा पेज बैकग्राउंड लिखा हुआ देखिए ग्रुप दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए पेज कलर है, इस पर क्लिक करें। अब जो भी आपको कलर पसंद है इस पर क्लिक करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मुझे रेड कलर यहाँ पे अच्छा लग रहा है येलो के साथ, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। अब देखिए ये बैकग्राउंड फ़ोटो सब कुछ हो चुका है। अब रहा सवाल, एक बार डिज़ाइन को फिर से देख लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक शेप लिया हुआ है, इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है फैशन। अब इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली सब कुछ अनसेलेक्टेड है। अब यहाँ पे हम लोग इंसर्ट में यहाँ होम टैब में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट है, इंसर्ट टैब में क्लिक कीजिए। अब टेक्स्ट का यहाँ पे देखिए ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, अब ड्रॉप डाउन एक लिस्ट आएगा, यहाँ से बिल्ट इन लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे और एक सिंपल सा यहाँ पर एक टेक्स्ट इस तरह बॉक्स एक हम लोग एक शेप बनाएंगे, इस तरह बना दिया। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, देखिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखना है फैशन, कैप्स लॉक ऑन किया, FASHION फैशन लिख दिया। अभी हो सकता है आपको टेक्स्ट दिखाई ना दे रहा होगा, अब यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब होम टैब पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखिए फॉन्ट का ग्रुप है, यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट है, यहाँ से हम लोग इसको बढ़ाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए फॉन्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर इसमें क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिकली फॉन्ट बढ़ेगा। बढ़ने के बाद क्या करना है, ये जो F है अभी ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो फॉन्ट चेंज करेंगे। तो एफ़ वाला जो फॉन्ट है इसको सिर्फ ऐप को सिलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ से एक मैं दूसरा फॉन्ट लेता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, सबसे ऊपर गया यहाँ पे, यहाँ पे एक पेप्सी नाम का फॉन्ट है, गूगल में सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। ये देखिए एफ़ इस तरह आ गया। अब ASHION थोड़ा सा अलग कर देते हैं, तो कोई दूसरा फॉन्ट लगा देते हैं जो अच्छा लगे, जैसे बर्लिन है, ये लगा दिया, देखिए थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। हो गया, हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, सेव पर क्लिक किया, फॉर्मेट में जाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, अरेंज में जाके टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको भी थ्रू कर देंगे। इससे काम करने में इसको आप इजीली इस तरह ड्रैग करके इसको आप मूव करा सकते हैं। हो गया, अब इसमें एक कलर फिल करना है, इसको सिलेक्ट रखें। अब यहाँ पे देखिए सेव फिल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैंने ये कलर लेना है, चाहे ये कलर लेना है, ब्लू लेना है, जैसे आपको अच्छा लगे। ये कलर ले लिया मैंने, ये देखिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया। अब इसका आउटलाइन का कलर करना है, तो शेप आउटलाइन में जाएं, यहाँ पे ये वेट दिया हुआ है, यहाँ से आप एक 1 पॉइंट दे दिया। अब इसको कलर करना है, आउटलाइन में जाके यहाँ से यहाँ पे वाइट कर देते हैं, वाइट, तो देखने में देखिए वाइट के साथ ये अच्छा लग रहा है। हो गया, इसको थोड़ा सा और हम लोग इधर से थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं। हो गया फैशन। उसके बाद सेल लिखना है, तो बाहर क्लिक करें, कर्सर नीचे आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएँगे, उसके बाद अगेन हम लोग टेक्स्ट के ग्रुप में यहाँ पे गया, टेक्स्ट बॉक्स में गया। अब यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट पे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स और ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखना है मुझे सेल लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए अब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं तो काम करने में आसानी होगा। अब यहाँ पर लिखना है सेल, SALE सेल लिखा, देख सकते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से होम टैब में गया, जाने के बाद यहाँ से थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। ये देखिए मैंने फॉन्ट को यहाँ से बड़ा कर दिया। करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप है, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ गया। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से फॉन्ट दूसरा ले लेते हैं, अलग अलग फॉन्ट यूज़ करें तो देखने में ही अच्छा लगता है। जैसे ये कर दिया, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये सेल ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इस तरह कर दें, इसमें कलर देना है, फॉर्मेट में जाएँ यहाँ से, अब इसमें देखिए सेप में जाएंगे, यहाँ से वाइट कर देते हैं, वाइट, ये अच्छा लग रहा है देखने में। ये हो गया, देख सकते हैं यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फैशन सेल हो गया। अब एक बार फिर से डिज़ाइन देखते हैं, यहाँ पे देखिए फैशन सेल हो गया। अब यहाँ पे सेव अप टू, देखिए लिखा सेव अप टू, अब ये लिखना है मुझे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट के जो ग्रुप है टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे यहाँ पर एक सेव अप टू लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं SAVE सेव अप टू UPF TO2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेव अप टू, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से होम टैब में गया, यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट हम लोग बड़ा कर देते हैं। ये देखिए मैं इस फॉन्ट को बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ से पैराग्राफ में जाकर सेंटर पॉइंट कर दिया, ये सेंटर हो गया। फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसका भी दूसरा कोई फॉन्ट ले लेते हैं, वो अलग अलग फॉन्ट यूज़ कीजिए तो देखने में डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपका। ये कर दिया, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, ये ठीक है, इतना बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा किया, थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ से इसको इतना रखते हैं।
अब ये जो बॉक्स है इसका कलर चेंज करना है, तो फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सेव फिल है, इसमें क्लिक करेंगे, हम यहाँ से सेम वो कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लिया। अब इसको सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे अरेंज में जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग इसको भी थ्रू कर देंगे। थ्रू करने से क्या होगा, इसको आप ये सेट इसको आप इजीली यहाँ पे क्लिक करके इसको आप मूव करा सकते हैं। ये देखिए मैं इसको लेफ़्ट राइट मूव करा सकता हूँ, ये देखिए इसको क्लिक किया, यहाँ से लाइन पे क्लिक करें, इसके बाद इसको मूव करा दिया यहाँ तक, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ये देखिए छोटा किया, इधर से भी थोड़ा सा इसको छोटा किया ताकि ये एक लेवल पे रहे इधर से, ठीक है ये हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक बार डिज़ाइन को और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 50% लिखा है, वाइट बैकग्राउंड में 50% और येलो बैक सर्कल में शॉप नाउ लिखा हुआ है, तो ये वाला लिखेंगे 50%। तो मैं क्या करता हूँ, एक बाहर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक और शेप लूँगा, इंसर्ट में गया और यहाँ से टेक्स्ट का ग्रुप में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लिया, अब यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ से मैं बड़ा सा एक बॉक्स इस तरह बना दिया, देखिए यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे लिखता हूँ 50 लिखा, शिफ्ट दबा के यहाँ से मैं परसेंटेज का साइन दूंगा, हो गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट को, ये मैं यहाँ से होम टैब पे गया, अब यहाँ से फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, ये देखिए फॉन्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, एक अच्छा सा फॉन्ट लेंगे हम लोग, ये ठीक है, बोडोनी एमटी ब्लैक कर दिया, लेकिन तो देखिए बहुत बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर दिया, हो गया। अब ये सेव को थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे कर दिया, करने के बाद ये हो गया। अब इसका फॉर्मेट में जाएं, जाने के बाद हमें सेव फिल में जाके इसको वाइट कर देते हैं, हो गया। हो जाने के बाद अब इसको थोड़ा सा यहाँ टेक्स्ट रैपिंग में गया, इसको भी हम लोग थ्रू कर देंगे, हो गया। इसको आप क्लिक करके ऊपर नीचे आप इसको इधर से उधर मैं इसको थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कर दिया, ओके हो गया। अब यहाँ पे शॉप नाउ लिखना है, बाहर क्लिक करते हैं, फिर इसको स्क्रॉल किया थोड़ा सा, उसके बाद इंसर्ट में गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट में गया, जाने के बाद यहाँ पे अगेन हम लोग शेप में जाएंगे। अब यहाँ से एक सर्कल लूँगा, ये वाला ओवल शेप लिया यहाँ से, अब सिंपली इसको ओवल शेप में यहाँ से बड़ा सा मैं ओवल इस तरह बना देता हूँ, ये देखिए बना दिया। अब इसमें मुझे लिखना है, ये तो बना दिया, अब इसको येल्लो कलर से फिल कर देते हैं। शेप में गया, यहाँ से मैं येल्लो कलर से इसको फिल कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे लिखना है, तो बाहर क्लिक किया, इसको क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में गया, इसको भी हम लोग थ्रू कर दिया, हो गया। अब थोड़ा मैं बाहर क्लिक करता हूँ, अब उसके बाद अगेन इंसर्ट में जाते हैं, टेक्स्ट ग्रुप में गया, टेक्स्ट बॉक्स में गया, अब यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉप नाउ, SHOP शॉप NOW शॉप नाउ लिखा। लिखने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से हम लोग यहाँ से होम टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये ठीक है। अब थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे हम लोग, यहाँ से कोई सा भी एक फॉन्ट लेते हैं, अच्छा मोटा सा फॉन्ट लेते हैं, जैसे ये ब्रॉडवे ले लिया मैंने, ठीक है ये ब्रॉडवे ठीक ही है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये मैं कर दिया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको इसका मुझे देखिए ये नहीं चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये वाला जो बाहर किनारा है ये नहीं चाहिए, फिल भी नहीं चाहिए। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से सेव फिल में गया, यहाँ पे नो फिल कर दिया, आउटलाइन भी नहीं चाहिए, नो आउटलाइन कर दिया। आगे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, लेकिन ये फॉन्ट थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, तो इसको दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं। होम में गया, ये फॉन्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एरियल ब्लैक ही कर देते हैं, ठीक है ये अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं इस शेप पे क्लिक किया, अब थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से, ये ठीक है, यहाँ से इसको मैं यहाँ से छोटा कर दिया, हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब इसको अभी अब जाकर फॉर्मेट में जाके यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको भी थ्रू कर दिया, कम्प्लीट हो गया। थोड़ा सा डिज़ाइन को मैं छोटा करके देखते हैं, ये देखिए मेरा डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया। हो जाने के बाद सब कुछ ठीक है, ये देखिए सेल इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इस पर क्लिक करके हम लोग थोड़ा सा फिर से इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है सब कुछ लेवल में है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक बॉर्डर देना है मुझे, तो ये देखिए थोड़ा सा ये शेप मेरा थोड़ा ऊपर चला जा रहा है,
ये थोड़ा सा इसको और ऊपर ले गया, ठीक है, ये मॉडल का फोटो, ठीक है, ओके हो गया। हो जाने के बाद इसमें एक बॉर्डर लगाएंगे, इस तरह से बॉर्डर लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेआउट में गया, पेज लेआउट में, यहाँ पे देखिए पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर पे क्लिक किया। अब यहाँ से बॉर्डर एंड सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आया, पेज बॉर्डर में क्लिक किया, यहाँ बॉक्स लिया, स्टाइल ले लिया एक नॉर्मल सा। अब यहाँ से स्टाइल पहला वाला स्टाइल है, यहाँ विड्थ है, थोड़ा सा इसको मोटा कर देंगे, 2.14 लिया है। यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट सब कुछ देख सकते हैं, अब ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए सिंपल सा एक बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है, देखिए ये देख सकते हैं। अब थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, हल्का सा जूम करते हैं जिससे आपको दिखाई दे, ये देखिए ये मेरा डिज़ाइन पूरा का पूरा। इसको थोड़ा सा लगता है नहीं, बॉर्डर थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पेज लेआउट में गया, पेज बॉर्डर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा और 3 पॉइंट ले लेते हैं, ओके, थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा ये लग रहा है मुझे नहीं फैशन वाला, थोड़ा सा अगर इधर आता तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं, ये सेल है, बाहर क्लिक किया, सेल वाला को थोड़ा सा नीचे हम लोग इधर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सब बराबर में सब कुछ देखना होगा। अब इसको मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, ये मैं यहाँ से हल्का से इधर शिफ्ट किया, ये देखिए शॉप नाउ में चला गया इधर। इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको एरो की से हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये मेरा डिज़ाइन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं सिंपल वे में एक डिज़ाइन यहाँ पे बन चुका है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, देखिए फैशन, ये देखिए सेल, ये देखिए पूरा डिज़ाइन मेरा बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से 50% करते हैं जिससे आपको दिखाई दे, ये देखिए पूरा का पूरा मेरा डिज़ाइन यहाँ पे, ये देखिए बन के तैयार हो गया। उसके बाद या तो PDF निकालिए या सेव कीजिए, और या JPG फॉर्मेट में इसको सेव कीजिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वर्जन के जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आए हुए हैं उसमें आप इजीली JPG फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं, PDF में भी सेव कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक डिज़ाइन यहाँ पर मैंने पोस्टर बनाकर आपको बताया कि कैसे हम लोग फैशन सेल का पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आता होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया जिससे आप इजीली वे में काम कर पाइए, बना पाइएगा पोस्टर इस तरह से। और ये फ़ोटो का लिंक, ये जो फ़ोटो है, मॉडल का फ़ोटो है, जो वेबसाइट है उसका नाम मैं फिर से दोहरा देता हूँ, www.freepnginimg.com। यहाँ पे जाइएगा, मॉडल सिंपल सा एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप मॉडल टाइप कीजिएगा, आपको इस तरह से बहुत सारे मॉडल का फ़ोटो आपको मिल जाएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।